नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर, निर्णय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको रस के अंग में स्थाई भाव के बारे में बताया। अब लेके चलते हैं आपको रस के अंग के बारे में दूसरा उसका अंग जो है वह है आपका विभाव। हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि आखिर विभाव है क्या, विभाव कहते किसे हैं? तो आपको बता दें, जब हम काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो जिस कारण से हमारे मन में फीलिंग्स उठती है उसी कारण को किस नाम से जाना जाता है? विभाव के नाम से जाना जाता है। अर्थात मन में फीलिंग्स या भावों के उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं उसी कारण को किस नाम से जाना जाता है? विभाव के नाम से जाना जाता है। मन में भाव के भाव की उत्पत्ति के भाव की उत्पत्ति के कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। अब प्रश्न यह उठा कि मन में जो भाव जगते हैं उसके जो कारण हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आपको बता दें, विभाव दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक नंबर दो। नंबर एक है आलंबन, नंबर दो है उद्दीपन। आलंबन का अर्थ होता है जिसका सहारा पा करके भाव जगते हैं उसे आलंबन कहते हैं। आलंब मतलब ही होता सहारा देना, जिसका सहारा पाकर मन में भाव जगे उन्हें क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। उद्दीपन का अर्थ होता है मन के दबे भाव, मन के छिपे हुए भाव, मन में अंतर्निहित भाव के जो जगाने का कार्य करते हैं, अर्थात वे परिस्थितियां जो मन के दबे भाव को जगा दें उन्हें उद्दीपन कहते हैं। और आपको बता दें, आप जानते हो न जानते हो तो ऐसे समझ लें आप। जैसे मान लीजिए नायक प्रथम बार किसी नायिका को देखा, उसके मन में प्रेम का भाव आया, तो नायक और नायिका ये दोनों कारण हैं, क्योंकि नायक को नायिका को न देखता नायक तो उसके मन में भाव न जगता, तो नायक भी है कारण और नायिका भी है कारण। इस तरह से नायक और नायिका आलंबन हो गए। मान लीजिए कुछ समय ऐसा आया कि नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो गए, फिर क्या हुआ? नायक उस जगह पर गया जहां पर पहले वह नायिका से मिलता था, तो जब वहां गया तो उन परिस्थितियों को, उन सिचुएशन को, उन परिस्थितियों को, उन वातावरण को देख करके क्या किया? उसके मन के दबे भाव क्या हुए? उद्दीप्त हो गए, बढ़ गए। वही परिस्थितियां क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती हैं। अर्थात ये उद्दीपन जो होता है आग में घी जैसा कार्य करता है। तो आपको बता दें, आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक आश्रयालंबन, आश्रयालंबन आश्रया आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। आश्रयालंबन का अर्थ होता है, आश्रयालंबन दूसरा विषयालंबन, आश्रय धन आलंबन, अर्थात जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रयालंबन कहते हैं। जिसके मन में भाव जगे उसे क्या कहते हैं? आश्रयालंबन। जैसे नायक नायिका को देखा तो नायक के मन में उठा, तो जिसके मन में उठेगा वह क्या हुआ? आश्रयालंबन। जैसे कोई भी उदाहरण देख लें, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई कुत्ता मरा हुआ हो, उसको देख करके आपके मन में घृणा का भाव जगा,
तो आप आश्रयालंबन हो गए, और जिसको देख करके आपके मन में, जिसको देखकर, सुनकर या पढ़कर मन में भाव जगे, जिसको देखकर, पढ़कर, सुनकर मन में भाव जगे, वे क्या कहलाते हैं? वे विषयालंबन कहलाते हैं। मान लीजिए नायक के मन में प्रेम का भाव जगा तो नायक आश्रयालंबन, और नायिका को देख करके अगर जगा तो नायिका विषयालंबन। इस तरह से दोस्तों विभाव संपन्न होता है। अब लेके चलते हैं रस के तीसरे अंग की तरफ, जिसका नाम है अनुभाव। रस का तीसरा अंग है दोस्तों अनुभाव। तीसरा अंग है अनु, मतलब बाद में या पीछे, भाव मतलब फीलिंग्स, एहसास, मतलब किसी चीज को देखकर, सुनकर या करके उसके बाद जो हमारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां होती हैं, जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती हैं। मान लिया जाए, एक उदाहरण देते हैं आपको, आप रास्ते में जा रहे हो और कुत्ता मरा हुआ हो, तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए सूंघ करके ही या किसी भी तरह से आपके मन में यह भाव जगा कि कहीं ना कहीं कुत्ता, या देख ही लिए कि कुत्ता मरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में भाव जगा। अब भाव जगने के पश्चात जो आप जो शारीरिक और मानसिक चेष्टा करते हैं, कहते हैं इसका मतलब क्या है, बदबू का एहसास आप मानसिक से दर्शा रहे हैं, और अगर आप नाक दबा करके भागने लगे तो यह भी आपका क्या है, अनुभाव है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब भाव जग जाते हैं, भाव जगने के पश्चात हम जो भी शारीरिक और मानसिक कोशिश या चेष्टा करते हैं, उसी शारीरिक मानसिक चेष्टा या कोशिश को क्या कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ, भाव की उत्पत्ति के पश्चात, भाव के जगने के पश्चात जो शारीरिक एवं मानसिक कोशिश या चेष्टा की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। तो शारीरिक और मानसिक कोशिश या चेष्टा ही क्या है, अनुभाव है। और ये शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं हम चार तरह से करते हैं, चार प्रकार से। अर्थात अनुभाव के कितने भेद, अनुभाव के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा बाबू। नंबर एक है कायिक अनुभाव। काया मतलब होता है बॉडी, शरीर से संबंधित, शरीर से संबंधित जो हम चेष्टा करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बता दें आपको, कायिक अनुभाव में जैसे पुलिस ने चोर को देखा और उसका पीछा करने लगी, शरीर से की कर रहे हैं, जैसे चोर पुलिस को देखा तो भागने लगा, इस तरह से पुलिस का, पुलिस द्वारा चोर का पीछा करना किसके अंतर्गत आता है, कायिक अनुभाव के अंतर्गत आता है। जैसे मूवी भी स्टार्ट होती है, आप देखे होंगे, प्रैक्टिकली उदाहरण से आपके ज्यादा समझ में आता है, तो मूवी देखे होंगे स्टार्टिंग में जब नायक नायिका को देखता है तो उसके पीछे पीछे छुछुआने लगता है, तो ऐसी दशा में उसके पीछे पीछे जाना ये किस प्रकार के अनुभव में आता है, कायिक अनुभव में, क्योंकि उसको देखा, उसके मन में प्रेम का भाव जगा, फिर उसके उसके पीछे पीछे चलने लगा। दूसरा है आपका वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव, वाचिक अनुभव का तात्पर्य होता है दोस्तों, वाचिक मतलब वाणी से, वाणी द्वारा,
वाणी से जो संबंधित अनुभव है, वाणी से जो हम कोशिश करते हैं, जैसे दुश्मन को देख करके क्या करते हैं, मान लीजिए मार्केट में दुश्मन को देखे और गाली देने लगे, तो ये गाली देना हमारा किस में आता है? ये वाचिक अनुभव के अंतर्गत आता है, बड़बड़ाना, गाली देना इत्यादि। नेक्स्ट है आहार्य। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कृत्रिम वेशभूषा, धारण करना, मतलब बनावटी रूप, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वास्तविक रूप को छिपा करके आर्टिफिशियल या बनावटी रूप, जिसे घड़ियाली आंसू कहते हैं, अर्थात मन में कुछ और है लेकिन हम दर्शाना कुछ और चाह रहे हैं, इस प्रकार के आहार को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार के अनुभव को आहार्य अनुभव कहा जाता है। जैसे कपटी मित्र का व्यवहार किसके अंतर्गत आता है? आहार के अंतर्गत आता है, ये वास्तविक अनुभव नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी किसी के सामने ड्रामा करे इत्यादि करे, ये सब जो है फिल्म इंडस्ट्री वाले वास्तविक रूप में कुछ और होते हैं लेकिन दर्शाते कुछ और हैं, तो उन सब का अनुभव किसके अंतर्गत आता है? आहार के अंतर्गत आता है। दोस्तों समाज में भी ज़्यादातर ये आहार देखने को मिलता है, भाइयों में, बहनों में, किसी में भी, अन्य चीज़ों में भी, लेकिन अब भाइयों बहनों में तो कम और चीज़ों में ज़्यादा, रिश्तों में दिखाई देता है, आर्टिफिशियल रूप लोग ज़्यादातर धारण कर रहे हैं। अब इसके बाद लेके चलते हैं अनुभव का चौथा भेद, अंतिम भेद, जिसे सात्विक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव का मतलब होता है वास्तविक वेशभूषा, मतलब जैसे आप देखें कोई बच्चा, मान लीजिए मेले में किसी का बेटा खो गया हो, पिता दिन भर दौड़ रहा हो, दिन भर उसकी खोज कर रहा हो, तो वह कायिक में आता है, मन से भी अन्य लोगों से पूछता है तो वाचिक भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही उसको देखता है उसके आँखों से आंसू टपकने लगते हैं, तो सहज रूप में जो अंतरात्मा में जो भाव होते हैं वो जब बाहर प्रकट होते हैं तो उसे ही सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर बैठे हों, अचानक सांप निकल आए, आप डर के मारे क्या करते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, तो पसीना पसीना आपका होना किस प्रकार के अनुभव में आता है? सात्विक अनुभव के अंतर्गत आता है। और दोस्तों एक पते की बात बता दें, ये सात्विक अनुभव जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और दोस्तों एक बात, सबसे बड़ी बात जो आपके एग्जाम में बेसिक प्रश्न पूछता है, कभी पूछे अनुभव के कुल भेद या प्रकार, तो दोस्तों याद रखिएगा अनुभव के कभी कुल भेद या प्रकार पूछे तो 4 बताइएगा, अगर पूछ ले कभी अनुभव की कुल संख्या तो याद रखिएगा दोस्तों 8 बताइएगा, क्योंकि ये जो सात्विक अनुभव का जो 8 भेद या प्रकार है, आया भेद या प्रकार मतलब संख्या है, ये संख्या है, यही वास्तव में अनुभवों की संख्या मानी जाती है। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान में रखिएगा कि अनुभव के कुल भेद या प्रकार 4 और अनुभवों की कुल संख्या 8 होती है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेके चलते हैं आपको संचारी भाव की तरफ। नेक्स्ट है रस के अंगों में, आपको मैंने स्थायी भाव बताया, विभाव बताया, विभाव अनुभाव, अब लास्ट है आपका क्या? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी या संचारी भाव नाम क्यों पड़ा, किसको कहते हैं, तो जरा देखें आप, संचारी भाव ये अंतिम अंग है, चौथा अंग है, रस के कितने अंग? 4 होते हैं और चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचरण करना अर्थात ऐसे भाव जो मन में क्षण भर के लिए आए फिर चले जाएं, ऐसे भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, स्थिर न रहने वाले भाव। दूसरे शब्दों में कह दें, मन में
संचरण करने वाले भाव। दूसरे शब्दों में मन के अस्थाई भाव, वे भाव जो आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे। तो इनका वैल्यू क्या है आपको बता दें, अगर हम सिर्फ एक ही भाव में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में निरसता आ जाती है, हमारा जीवन वास्तविक जीवन से परे होकर के एकदम नीरसमय बन जाता है। इसलिए संचारी भाव हमारे जीवन को रंगीन बनाता है, हमारे जीवन को एक नया रूप देता है। तो आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है, मान लिया जाए मैं बहुत क्रोधी हूँ और यह डिसीजन ले लिया कि आज वही रहेगा या मैं ही रहूँगा, तो ऐसी दशा में क्या होता है, मेरे अंदर क्रोध की भावना है, लेकिन हुआ क्या, क्रोध की भावना के साथ साथ मुझे यह एहसास होने लगा कि अगर कुछ उसके साथ हो जाता है तो उसका परिवार भी उसके साथ है, ये है वो है, दुनियादारी सोचने लगे हम। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि मेरे अंदर ग्लानी उत्पन्न होगी और वही ग्लानी में मुझे क्रोध से बदल कर मुझे कहाँ कर देगी, मुझे शांत रस में कर देगी, मैं स्थिर हो जाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो इसीलिए कहा जाता है स्थाई भाव के जो सहायक भाव होते हैं कौन से भाव होते हैं, अर्थात संचारी भाव, स्थाई भावों के क्या माने जाते हैं, सहायक माने जाते हैं। कभी पूछ लिया जाए स्थाई भाव के सहायक भाव क्या कहलाते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव, और आपको बता दें दोस्तों कि संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है, जितने व्यंजन वर्ण होते हैं उतने ही संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं। ये हुआ रस के अंग 4। अब लेके चलते हैं आपको आगे के टॉपिक में, लेकिन दोस्तों उसको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।